लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आईपीएल 2018 में रविवार को हुए एक मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली डेयरडेविल्स 6 विकेट से हरा दिया। मोहाली में हुए इस मैच में किंग इलेवन पंजाब के लिए लोकेश राहुल ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 16 बॉल पर 51 रन की इनिंग खेली। मैच के दौरान एक मोमेंट ऐसा भी दिखा जब लोकेश राहुल पिच पर गिर गए थे और इसी दौरान उनकी टीम की को ओनर प्रीति जिंटा हंसते हुए कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इसके पीछे की वजह बेहद खास थी। दिल्ली और पंजाब के बीच हुए इस मैच में ये मोमेंट 2.3 ओवर में नजर आया जब क्रीज पर लोकेश राहुल बैटिंग कर रहे थे। अमित मिश्रा के इस ओवर की पहली दो बॉल पर वे चौका और छक्का लगा चुके थे। तीसरी बॉल पर उन्होंने डीप फाइन लेग की ओर स्वीप किया और बॉल बैट के ऊपरी सिरे से लगकर सीधे बाउंड्री के पार सिक्स के लिए चली गई। इस स्वीप शॉट को खेलने के बाद लोकेश का बैलेंस बिगड़ गया और वे पिच पर ही गिर गए। इस दौरान वे पूरी तरह जमीन पर लेटे दिखे। लोकेश के इस शॉट को देखने के बाद टीम की को ओनर प्रीति जिंटा बेहद खुश हो गई और ताली बजाने लगी। ये इस ओवर का दूसरा सिक्स था और इस बात पर प्रीति झूम रही थी। प्रीति जिंटा ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि लोकेश राहुल जमीन पर गिर गए हैं, इस वजह से वे केवल सेलिब्रेट करती दिखी। इसी दौरान वे कैमरे में भी कैद होगी। बता दें कि अमित मिश्रा के इस ओवर में लोकेश ने 2 छक्के और 3 चौके लगाते हुए कुल 24 रन बनाए। इसी ओवर में उन्होंने सिर्फ 14 बॉल पर 51 रन पूरे करते हुए आईपीएल में फास्टेस्ट हिट का नया रिकॉर्ड भी बना दिया।